हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर प्रूफ दैट PM इक्वल्स टू PN इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3A। ओके, एक फिगर हमें दी है और उसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम गिवन से ही स्टार्ट करेंगे। हमें प्रूफ करना है ये टर्म। ओके, सो गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में हमें क्या क्या दिया है? सो गिवन में दिया है PQ, PR, MQ, QR एंड RN। इन सभी की जो लेंथ है वो A है, करेक्ट है? तो यही हम लिखेंगे PQ इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू MQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RN। ओके, एंड ये सभी इक्वल्स टू क्या है? ए। ओके, ये इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, देन कंसिडर करते हैं ट्रायंगल PMR। ओके, हमें ये प्रूफ करना है। इसके लिए मैं ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ PMR। ओके, ये ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ। देन ट्रायंगल PMR के लिए देखेंगे तो सेगमेंट QM, ओके, दैट इज MQ इक्वल्स टू है QR। इसकी भी लेंथ A है, इसकी भी लेंथ A है, तो QM इक्वल्स टू QR दिया है, करेक्ट है? सो QM इक्वल्स टू QR है, दोनों की लेंथ A है, दैट मीन्स Q क्या होगा? MR का मिड पॉइंट होगा, करेक्ट है? पॉइंट Q एम आर का मिड पॉइंट होगा, दैट मीन्स सेगमेंट पी क्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू इज द मीडियन ओके, सेगमेंट पी क्यू इज द मीडियन। सो अगर किसी ट्रायंगल पर अगर हमें ट्रायंगल के ट्रायंगल पर अगर हमें मीडियन मिलती है, तो या हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सो बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम, यहाँ अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसा कैसे करेंगे? अब ये साइड डिवाइड हुई है दो पार्ट में, सो अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा? PM² प्लस PR² PM² प्लस PR² इक्वल्स टू क्या गया है? देखो ट्रायंगल PMR में अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है? PM² प्लस PR² इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ PQ² दैट इज मीडियन, एंड 2 टाइम्स ऑफ QR² आप ले सकते हैं या फिर MQ² भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो यहाँ मैं लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ QR². ओके, देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो PM² PM की वैल्यू दी है क्या? नहीं है। सो PM² एज इट इज प्लस PR² PR² PR की वैल्यू है A, तो ये हो जाएगा A² इक्वल्स टू 2 इंटू PQ, PQ की वैल्यू क्या है? A अगेन। सो A² प्लस 2 इंटू अगेन QR की वैल्यू क्या है? A, तो ये भी हो जाएगा A² दैट इज PM² प्लस A² इक्वल्स टू होगा, ये हो जाएगा 2A² प्लस 2A² देन PM² इक्वल्स टू 2A² प्लस 2A² होता है 4A² इस प्लस A² को इधर लेके आते हैं तो -A², करेक्ट? देन PM² इक्वल्स टू 4A² माइनस टू ए माइनस A² क्या होगा? 3A². ओके, देन टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा PM ओके
अंडर रूट ऑफ 3a² करेक्ट है. देन देयर फोर pm इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3a² सो इसे बाहर सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट ऑफ 3a² में से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल तो a बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा pm इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3a करेक्ट है. देन हमें देखो ये मिल गया है pm इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3a करेक्ट है. अब हमें चाहिए pn इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3a ओके. तो सिमिलरली अब हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है पी एन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3a. तो हम क्या करेंगे ट्रायंगल लेंगे पी क्यू एन ओके. यहाँ पर हमने ट्रायंगल लिया था पी एम आर तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले सकते हैं पी एन क्यू ओके. ये ट्रायंगल ले सकते हैं और पी आर को एज अ मीडियन कंसिडर कर सकते हैं. तो सेम टाइप का प्रूफ रहेगा हमें इसे सिमिलर टाइप से सॉल्व करना है ओके. तो सिमिलरली यहाँ मैं लिख देता हूँ वी कैन प्रूफ दैट पी एन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 into a करेक्ट है. ये आप लोग प्रैक्टिस में प्रूफ कर सकते हैं ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रूफ दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स ओके. पैरेललोग्राम दिया है ओके जिसकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक करती है एट पॉइंट ओ एंड हमें प्रूफ करना है ac² प्लस bd² इक्वल्स टू ad² प्लस dc² प्लस bc² प्लस ab² ओके. सो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे. गिवन में हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम ओके. देन डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ ओके. डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. सो वी हैव टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है स्टेटमेंट में बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ओके. दैट मींस प्रूफ करना है ac² प्लस bd² ओके. उनके डायगोनल के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स ओके. सो प्रूफ करना है ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad² ओके. उनके चारों साइड्स के स्क्वायर का सम दैट इज ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad² ओके. तो चलिए प्रूफ करते हैं. सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे. गिवन में क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है पैरेललोग्राम है. सो यहाँ मैं गिवन में यही लिख देता हूँ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम ओके. देन देयरफोर अब अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है. सो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ओके. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. सो देयरफोर क्या होगा AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD होगा ऐसा. देन अगेन
अगेन स्टेटमेंट हमें हमें क्या दिया है कि पैरेललोग्राम का अगेन एक स्टेटमेंट है कि उनके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक करते हैं. सो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो डायगोनल कौन सी है, ए सी एंड बी डी. तो बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स ए ओ एंड ओ सी की लेंथ इक्वल रहेगी. करेक्ट है, ए ओ एंड ओ सी की लेंथ इक्वल रहेगी एंड हाफ ऑफ क्या रहेगी, ए सी. सिमिलरली बी ओ एंड ओ डी की लेंथ इक्वल रहेगी एंड हाफ ऑफ क्या रहेगी, बी डी. करेक्ट है, इनके डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके, तो बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स ए ओ की लेंथ एंड ओ सी की लेंथ इक्वल रहेगी. और एंड अगर हम सिर्फ ए ओ को बोलते हैं तो ये हाफ ऑफ ए सी होगा एंड ओ सी भी हाफ ऑफ ए सी होगा. सिमिलरली बी ओ एंड ओ डी की लेंथ इक्वल रहेगी एंड हाफ ऑफ बी डी रहेगी. करेक्ट है, सो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. देन इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं. इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, सेगमेंट बीओ इज द मीडियन. ओके, ट्रायंगल एबीसी के लिए सेगमेंट बीओ क्या होगी, मीडियन होगी. क्यों? बिकॉज एसी इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई है. ओके, तो दैट मींस ओ एसी का मिड पॉइंट है, तो बीओ क्या हो जाएगी, उसकी मीडियन हो जाएगी. करेक्ट है, सो अगर किसी ट्रायंगल पर अगर हमें कोई एक मीडियन मिलती है तो यहाँ हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो बाय अपोलोनियस थ्योरम, अब अपोलोनियस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, जो साइड डिवाइड हुई है उस साइड को छोड़कर रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ bo स्क्वायर. दैट मीन्स ये मीडियन है तो मीडियन का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ oc स्क्वायर. करेक्ट है, यहाँ पे oc की जगह पर आप ao भी ले सकते हैं. ओके, देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे. सो देयरफॉर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ देन बी ओ. ओके, बी ओ, बी ओ को हम हाफ ऑफ बी डी लिख सकते हैं. करेक्ट है, बी ओ इज हाफ ऑफ बी डी. देखो यहाँ पे लिखा है बी ओ इज हाफ ऑफ बी डी, तो इसे मैं लिखता हूँ 1/2 ऑफ बी डी एंड होल स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर. देन टू इंटू अगेन ओ सी, ओ सी इज हाफ ऑफ ए सी है, सो यहाँ लिख देता हूँ 1/2 ऑफ ए सी होल स्क्वायर. करेक्ट है, देन आगे सिंप्लीफाई करेंगे. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 इंटू बी डी स्क्वायर. ओके, प्लस टू इंटू 1/4 इंटू ए सी स्क्वायर. क्या किया है, स्क्वेयरिंग किया है इनका. 2 1s are 2, 2 2s are 4, अगेन 2 1s are 2 and 2 2s are 4. करेक्ट है, देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ मिलता है 1/2 इंटू बी डी स्क्वायर, 1/2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे मिलता है 1/2 इंटू ए सी स्क्वायर, 1/2 इंटू ए सी स्क्वायर. ओके, देन अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं. ओके, तो अगर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर
इक्वल्स टू, यहाँ से टू, इसे भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पे बी डी स्क्वेयर प्लस यहाँ पर भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें ए सी स्क्वेयर। क्या किया है हमने, रीज़न लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टू। ओके, देन अगेन इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, टू ए बी स्क्वेयर को मैं लिखता हूँ ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, टू टाइम्स से इसे सेपरेट कर दिया है। देन टू बी सी स्क्वेयर को लिखता हूँ बी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ओके, इक्वल्स टू या एज इट इज बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ओके, देन अगेन आगे सिंप्लीफाई करेंगे, मैं सबसे पहले ये साइड लिखता हूँ बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस, देखिए ए बी स्क्वेयर लिख दिया है, बी सी स्क्वेयर लिख दिया है, देन ये जो ए बी है, ओके, ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, सी डी होता है, ए बी इक्वल्स टू सी डी होता है, तो मैं इस ए बी को चेंज कर देता हूँ सी डी में, तो ये हो जाएगा सी डी स्क्वेयर प्लस इस बी सी को चेंज कर देता हूँ किस में, ए डी में, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वेयर। ओके, सो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर, डायगोनल्स के स्क्वेयर की सम इक्वल्स टू साइड्स के स्क्वेयर की सम, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ में क्या बोला है उन्होंने, स्टेटमेंट में क्या बोला था उन्होंने, द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ इट्स साइड्स, ओके, चारों साइड्स के स्क्वेयर की सम, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्पीड, आफ्टर टू आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वॉज 15 अंडर रूट ऑफ 2 किलोमीटर, फाइंड देयर स्पीड पर आर। ओके, सो यहाँ पर एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। ओके, प्रणाली एंड प्रसाद ईस्ट एंड नॉर्थ से क्या करते हैं, वॉकिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये इनका इनिशियल पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो प्रणाली इस डायरेक्शन में जा रही है एंड प्रसाद इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट, प्रणाली ईस्ट में जा रही है एंड प्रसाद नॉर्थ में जा रहा है। सो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट पी। ओके, प्रणाली ईस्ट में जा रही है एट पॉइंट क्यू एंड प्रसाद नॉर्थ में जा रहा है एट पॉइंट अप टू द पॉइंट आर। ओके, दोनों ने आफ्टर टू आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वॉज 15 अंडर रूट ऑफ 2 किलोमीटर। ओके, अब दोनों की स्पीड अगर सेम है तो ऑब्वियसली दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, करेक्ट है, तो दैट मीन्स ये फाइनल पोजीशन है किसकी, प्रसाद की, ये फाइनल पोजीशन है प्रणाली की, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 अंडर रूट ऑफ 2। ओके, सो क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड देयर स्पीड पर आर। ओके, उनकी स्पीड हमें निकालनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले कंसिडरेशन लिखेंगे, लेट पॉइंट पी बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद। ओके, देन एंड यहाँ लिखेंगे पॉइंट क्यू एंड आर बी दी फाइनल पोजिशन ऑफ देम रिस्पेक्टिवली। ओके, आफ्टर टू आवर्स। ओके, आप अपने तरीके से भी कंसिडरेशन लिख सकते हैं। ओके, सो देन अब दोनों की स्पीड, ओके, हियर
द स्पीड ऑफ लिखेंगे हियर, द स्पीड ऑफ देम, स्पीड ऑफ देम इज सेम। ओके, दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, सेम है। अगर दोनों की स्पीड सेम है दैट मीन्स दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ पी आर एंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, इन दोनों का जो इन ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, सेम होगा। और इसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ क्या, एक्स। ओके, तो ये दोनों लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। देन इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंगल आर पी क्यू है 90 डिग्री का। ओके, एंगल आर पी क्यू है 90 डिग्री का। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आर क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू आर पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। आर क्यू की वैल्यू है 15 अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वेयर, देन इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस पी क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर। 15 का स्क्वेयर होता है 225, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर होता है 2, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होता है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। देन यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 225 इक्वल्स टू मिलेगा क्या, एक्स स्क्वेयर। ओके, देन सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए यहाँ पर, 15। ओके, टेकिंग स्क्वेयर रूट अगर लेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड 225 कौन से नंबर का स्क्वेयर है, 15 का। तो x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 15। दैट मीन्स दोनों ने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, देन क्वेश्चन में कहा है फाइंड देयर स्पीड पर आर आफ्टर 2 आवर्स। ओके, सो देयरफॉर स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो दोनों ने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो स्पीड इक्वल्स टू, डिस्टेंस है कितना 15 किलोमीटर एंड टाइम कितना लिया है 2 आवर्स। ओके, 2 आवर्स के बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उन्होंने, सो 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 7.5। ओके, दैट मीन्स उन दोनों की जो स्पीड है वो कितनी होगी, 7.5 किलोमीटर पर आर। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर।